नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। कोरोना काल में चुनाव भी होना है और चुनाव के साथ साथ सियासी घमासान भी मचना तो है, क्योंकि जब एक जगह पर वर्चुअली प्रेस वार्ता की बात होती है तो दूसरे जगह पर खिचड़ी चढ़ाया जाता है, मकर संक्रांति मनाया जाता है, क्योंकि ये जो सियासी घमासान है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू होने से पहले है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर ये बातें कह दी थी कि 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की रैलियां, कोई भी रैली हो जो अगर चुनाव से जुड़ा हुआ है उसे फौरन रोक दिया जाए, क्योंकि ये बात तो साफ थी, ये तो जग जाहिर थी सारी चीजें। लेकिन अगर हम बात करें 15 जनवरी तक जो सारी चीजों को रोक दिया गया था उनमें समाजवादी पार्टी ने एक रैली की, उस रैली में 250 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। क्यों दर्ज हुआ है अब इस पे भी जरा रोशनी डाल लेते हैं। पहले तो आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना ज्यादा ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बिना मास्क के मौजूद हैं। मास्क अगर है भी इनके पास तो मुंह से नीचे झूला हुआ है। जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने कोरोना जो प्रोटोकॉल बनाया है, जो गाइडलाइन बनाई है, उनकी धज्जियां तो उड़ाई दी है। उसके साथ साथ अब हम अगली तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दलित परिवार के साथ भोजन करते हुए दिख रहे हैं, और भोजन करने के साथ साथ अगर मुख्यमंत्री अगर कहीं पहुंचते हैं तो उनके साथ भी हुजूम जाहिर सी बात है कि लग जाएगा। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है, मौजूदगी ऐसी है क्योंकि परंपरागत वो अपने तरीके से हर साल गोरखपुर पहुंचते मकर संक्रांति के मौके पर मंदिर में, गोरखनाथ मंदिर में जाते हैं, वहां पे योगी आदित्यनाथ प्रसाद चढ़ाते हैं, खिचड़ी को प्रसाद के तौर पे वहां पे चढ़ाया जाता है, और उसके बाद वहां पे लोग जो हैं इकट्ठा होते हैं, वो भी खिचड़ी चढ़ाते हैं गोरखनाथ मंदिर में, और उन तमाम जो लोगों के ऊपर भी अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। जब 2500 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तो उत्तर प्रदेश में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने अब खेमा बदल दिया है, जो बीजेपी में मंत्री थे अब वो समाजवादी में चले गए हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका बड़ा ही अच्छे से स्वागत किया जाता है। लेकिन जब अगर स्वागत किया जाता है एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमलावर तो हो ही जाए, और हमलावर होने के साथ साथ अब जो बयान उन्होंने दिया है वो भी जरा बता देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वर्चुअली जहां हम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, जहां वर्चुअली प्रेस वार्ता होनी थी, वहां अगर कार्यकर्ता अपने आप आ जाते हैं, वहां मौजूद हो जाते हैं, तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ इतने लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में इकट्ठा होते हैं, वहां पे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन होता है, तो सबसे पहले उनके ऊपर FIR हो जानी चाहिए। तो ये जो FIR और मुकदमे का जो दौर चल रहा है एक दूसरे के ऊपर, कि उनके ऊपर FIR और मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए, लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं ये एक तरह से चुनावी स्टंटबाजी है साफ तौर पर, क्योंकि हमने आपको दोनों तस्वीरें दिखाई, और अब वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो मंदिर के प्रांगण की है, जहां पे खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है, और लोगों का जो भीड़ है वो साफ तौर पर इसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, और इन तस्वीरों में साफ तौर पर वो चीजें दिख रही है, वो झलक आप देख सकते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर जो मुकदमे का दौर है, आपको तो पहले बता दें कि लखनऊ के जो कमिश्नर है उन्होंने किन किन धाराओं में इन 2500 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है, 269, 270, 144 और महामारी एक्ट के तहत इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। क्योंकि जो कमिश्नर है डीके ठाकुर, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर ये बातें कही हैं, और उन्होंने धाराओं के जो नाम है वो साफ तौर पर वहां पे लिख दिया कि इन इन धाराओं में इन इन लोगों के ऊपर, क्योंकि वीडियो जो बने हुए थे उनमें साक्ष्य पाए गए, लोगों को चिन्हित किया गया और उन लोगों के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये थी अभी तक की अपडेट, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ नेशनल के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।